आम आदमी पार्टी के हरियाणा प्रभारी और राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने कहा कि जींद उपचुनाव में सभी पार्टियां अपना वर्चस्व बचाने के लिए लड़ रही हैं। उन्होंने कहा कि ये चुनाव सिर्फ फिजूल खर्ची है, इसलिए हमने नोटा को समर्थन दिया है। उन्होंने कहा कि आप 2019 में हरियाणा में सभी लोकसभा व विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। चरखी दादरी व्यापारी सम्मेलन के दौरान सांसद सुशील गुप्ता ने भाजपा पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने देश भर के व्यापारियों को तबाह कर दिया है। प्रदेश सरकार पर तंज कसते हुए गुप्ता ने कहा कि मनोहर लाल खट्टर के राज में अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। गुप्ता ने कहा कि अगर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो हरियाणा का विकास दिल्ली की तर्ज पर किया जाएगा। सब ने बताया कि खट्टर सरकार ने और मोदी सरकार ने मिलकर हरियाणा के व्यापारियों को तबाह कर दिया है। नए पिछले चार साल के अंदर ना कोई दुकानदार अपना नया काम कर पा रहा, ना कोई उद्योग यहाँ पे लग पा रहा। कानून व्यवस्था इतनी खराब हो गई है, सरेआम व्यापारियों को गोली मार दी जाती है, इंस्पेक्टरों का राज लूटपाट का चल पड़ा है। कानून व्यवस्था कायम करने के अंदर मुझे ऐसा लगता है एक मजबूर मुख्यमंत्री जैसे होता है कि एक प्रदेश को कंट्रोल करने में जिनकी चलती नहीं हो, ऐसे शख्सियत के रूप के अंदर खट्टर साहब यहाँ पे लग रहे हैं। हरियाणा सरकार हर जगह पे फेल हुई है और इनका बदलना निश्चित है और आम आदमी पार्टी सभी की सभी 90 विधानसभा सीटों पे, सभी की सभी लोकसभा सीटों पे अपने दम पे चुनाव लड़ेगी और सरकार बनाएगी। जिस तरीके से हमने दिल्ली को बदला है, इस तरीके से हरियाणा को बदलेगी।